हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं लर्न टेक्सटाइल विथ AK यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सटिन एंड साटिन वीव क्या है, सटिन और साटिन का क्लासिफिकेशन भी करेंगे और सटिन और साटिन वीव में मूविंग नंबर को कैसे चूज किया जाता है इसके बारे में भी हम जानेंगे तथा सटिन और साटिन के बीच क्या अंतर है उसे जानेंगे और सटिन और साटिन का यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सटिन एंड साटिन वीव, सटिन एक वार फेज्ड रीअरेंज ट्विल है और साटिन एक वेफ्ट फेज्ड रीअरेंज ट्विल है। इस प्रकार सटिन साटिन का उल्टा होता है। इसका उपयोग विशेष रूप से सजावटी वस्त्रों में अन्य बुनाई के साथ संयोजन में किया जाता है, जैसे कि सटिन और साटिन का यूज प्लेन या ट्विल के साथ कॉम्बिनेशन डिजाइन बना के सजावटी वस्त्र बनाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सटिन एंड साटिन, सटिन एंड साटिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर सटिन एंड साटिन तथा इरेगुलर सटिन एंड साटिन। सटिन, सटिन वार फेस को इंडिकेट करता है। सटिन में इंड पर इंच अधिक होता है। सटिन में इंटरलेसमेंट पॉइंट प्लेन ट्विल की तुलना में कम होता है। कम इंटरलेसमेंट के कारण फैब्रिक बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लगता है। यह साटिन का उल्टा होता है। सटिन का मिनिमम रिपीट साइज 5x5 होता है। हाउ टू चूज मूविंग नंबर, मूविंग नंबर कभी भी रिपीट साइज के बराबर नहीं होना चाहिए। मूविंग नंबर को कभी भी रिपीट साइज से एक कम नहीं रखना चाहिए। मूव नंबर को रिपीट साइज का फैक्टर नहीं होना चाहिए। मूव नंबर को रिपीट साइज का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। मूव नंबर को सदैव दो को छोड़कर विषम संख्या ही रखा जाता है। सटिन रिपीट साइज 8x8 तथा मूविंग नंबर 3 से सटिन भी बनाना है। सबसे पहले हमने 8x8 का ग्राफ लिया और नीचे से भरना चालू करेंगे। तो यहाँ से चालू करेंगे तो पहला खाना छोड़ देंगे, पहला वाला छोड़ेंगे, बाकी को फ्लोट भर दिया जाएगा। क्रॉस इस प्रकार से सभी को क्रॉस कर देंगे। फिर अगला वाला इसके जस्ट ऊपर से मूविंग नंबर तीन लेंगे तो इसके ऊपर से 1 2 3 तीन मूव कराया। फिर चौथा वाला छोड़ेंगे, फिर अगले वाले से भरना चालू करेंगे। फिर अगला वाला भरने के लिए जहाँ पे इंटरलेसमेंट पॉइंट है इसी के जस्ट ऊपर से मूविंग नंबर तीन लेंगे, 1 2 3 और चौथे वाले पर इंटरलेसमेंट कराएंगे, फिर उसके बाद भरेंगे। अब डिजाइन अगर आगे होता तो इसके आगे भरा जाता, क्योंकि आगे नहीं है तो इसके पीछे से भरेंगे। इसी प्रकार से इसके ऊपर से 1 2 3 मूविंग नंबर लिए, चौथा वाला खाली छोड़ेंगे, फिर पाँचवा वाले में पूरा भर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसके ऊपर 1 2 3 फिर ये छोड़ेंगे, ऐसे पूरा भर देंगे। फिर इसके ऊपर भी इसी तरह से 1 2 3 ये चौथा वाला खाली छोड़ देंगे और इसके आगे डिजाइन होता है तो आगे भरते हैं, आगे नहीं तो इसके वजह से इसके पीछे से भरना चालू कर देंगे। इस तरह से भर देंगे। फिर यहाँ पे भरे हैं तो इसके ऊपर से 1 2 3 तीन मूविंग नंबर लिए, चौथा खाली छोड़ेंगे, फिर पाँचवा वाला भर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसके ऊपर से 1 2 3 तीन मूविंग नंबर हुआ, चौथा वाला खाली छोड़ेंगे, फिर पूरा डिजाइन भर दिया जाएगा। डिज़ाइन बनाने के बाद अब ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग सटिंग का ड्राफ्ट करने के लिए जितने का साइज होता है, जैसे 8x8 का साइज है तो ड्राफ्टिंग के लिए भी हमें 8x8 चाहिए, मतलब इसमें 8 हिल फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। अब ड्राफ्टिंग में सभी डिज़ाइन एक दूसरे से अलग हैं तो इसके लिए अलग अलग हिल शॉप यूज होगा। पहली डिजाइन के लिए पहला हिल शॉप दिए, दूसरी डिजाइन एक दूसरे से अलग है, पहली वाली से बिल्कुल अलग है तो इसके लिए अलग हिल शॉप दे देंगे। तीसरा वाला डिज़ाइन पहले और दूसरे दोनों से अलग है तो इसके लिए अलग हेड शॉप दे देंगे। इसी प्रकार से सभी डिज़ाइन एक दूसरे से अलग हैं तो अलग अलग हेड शॉप देते चले जाएंगे। सटिन में सदैव स्ट्रेट ड्राफ्ट बनता है। पेक प्लान बनाने के लिए सटिन में जो डिज़ाइन सटिन की होती है वही पेक प्लान भी होता है, पेक प्लान भी सेम टू सेम हो जाता है। सबसे पहले इसमें भी 8x8 का ग्राफ लेंगे और जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन को यहाँ पे भर दिया जाएगा।
तो पहला वाला छोड़ेंगे और बाकी को क्रॉस भर दिया जाएगा। इस प्रकार से डिजाइन बना देंगे और एरो से इसको मिला दिया जाएगा। डिजाइन बनाने के बाद इसका नाम दे देंगे, जैसे कि ये अपनी डिजाइन है तो यहाँ पर लिख देंगे डिजाइन, DE डिजाइन। ये ड्राफ्ट है तो इसको लिख देंगे ड्राफ्ट ड्राफ्ट। ये पेक प्लान है तो यहाँ पर लिख देंगे पेक प्लान पेक प्लान। पूरी डिजाइन भरने के बाद ये जहाँ जहाँ पे डिजाइन में क्रॉस है उस पूरे को कलर कर दिया जाएगा, पूरा फ्लोट कलर कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से कलर कर दिया जाता है। साटिन, साटिन वेफ्ट फेस्ट को इंडिकेट करता है। साटिन में पीक पर इंच अधिक होता है। इस वीव में प्लेन ट्विल की तुलना में कम इंटरलेसमेंट होता है और थ्रेड का अप एंड डाउन इक्वल डिस्टेंस पर होता है। साटिन वीव में कम इंटरलेसमेंट के कारण फैब्रिक बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ लगता है। यह सटिन का उल्टा होता है। साटिन का मिनिमम रिपीट साइज 5x5 होता है। साटिन वीव जिसका रिपीट साइज है 10x10 और मूविंग नंबर है 7, मूविंग नंबर 7 से बनाना है। सबसे पहले हम 10x10 का ग्राफ लेंगे, मूविंग नंबर 7 से भरना चालू करेंगे। तो यहाँ नीचे से भरना चालू करेंगे तो पहले पॉइंट पे क्रॉस करेंगे और इसके जस्ट ऊपर से 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिने, मूविंग नंबर 7 हुआ तो उसके जस्ट अगले वाले में 7 है तो मूविंग नंबर 7 है तो 8वें वाले में क्रॉस करेंगे इसके जस्ट ऊपर। अब इसके ऊपर से गिनना चालू करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ तो मूविंग नंबर 7 के बाद 8वें वाले में क्रॉस करेंगे। फिर इसके ऊपर से 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनेंगे फिर 8वें वाले में क्रॉस करेंगे। इसी प्रकार से पूरी डिजाइन को भर देंगे। साटिन में ड्राफ्टिंग करने के लिए 10x10 का ग्राफ लेंगे क्योंकि सभी डिजाइन एक दूसरे से अलग हैं, अतः इसमें 10 हिल्ड शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी। अब सभी डिजाइन एक दूसरे से अलग हैं इसलिए सभी को अलग अलग हेड शॉफ्ट में दिया जाएगा। तो पहली डिजाइन के लिए पहला हेड शॉफ्ट, दूसरी डिजाइन पहली वाली से अलग है इसके लिए दूसरा हेड शॉफ्ट, तीसरी डिजाइन पहली और दूसरी दोनों से अलग है तो तीसरा हेड शॉफ्ट। इसी प्रकार से सभी डिजाइन एक दूसरे से अलग हैं तो सबके लिए अलग अलग हेड शॉफ्ट दे दिया जाएगा। साटिन व्यू में हमेशा स्ट्रेट ड्राफ्ट ही बनता है। पेक प्लान, पेक प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम 10x10 का ग्राफ लेंगे क्योंकि इसमें सभी डिजाइन एक दूसरे से अलग हैं और ड्राफ्टिंग के लिए अलग अलग हेड शॉफ्ट है तो पेक प्लान भी अलग अलग होगा। साटिन का पेक प्लान डिजाइन के एकदम सेम टू सेम होता है तो डिजाइन में जो है वही पेक प्लान में भर दिया जाएगा। पूरी डिजाइन बनाने के बाद डिजाइन में जहां जहां क्रॉस है उसे पूरा फिलअप कर देंगे, कलर कर देंगे इस तरह से। पूरा कलर करने के बाद डिजाइन का नाम दिया जाए, जैसे कि ये डिजाइन है तो इसका नाम दे देंगे डिजाइन, ये ड्राफ्ट है तो इसका नाम दे दिया जाएगा ड्राफ्ट, ये पेक प्लान है तो इसका नाम दे दिया जाएगा पेक प्लान। डिफरेंट बिटवीन सटिन एंड साटिन। सटिन वार फेस को इंडिकेट करता है जबकि साटिन वेफ्ट फेस को इंडिकेट करता है। सटिन में इंड पर इंच अधिक होता है जबकि साटिन में पिक पर इंच अधिक होता है। सटिन की वीविंग कास्ट कम होती है जबकि साटिन की वीविंग कास्ट अधिक होती है। सटिन में अच्छी क्वालिटी का वार्प यार्न यूज किया जाता है जबकि साटिन में
अच्छी क्वालिटी का वेफ्ट यार्न यूज किया जाता है। यूज ऑफ सटिन एंड साटिन। सटिन एंड साटिन का व्यापक रूप से उपयोग गारमेंट तथा होम टेक्सटाइल में किया जाता है। गारमेंट में छोटे बच्चों के कपड़े, फैंसी ड्रेसेस आदि में किया जाता है, जबकि होम टेक्सटाइल में खिड़की, दरवाजे आदि के पर्दे तथा फैंसी मटेरियल बनाने में किया जाता है। आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।